हमेशा हम पानी का टाइम हो जाता है। मेरे को मत छूट करो। अरे कोई बड़ी मुश्किल से तो तू काबू आती है, कभी कोई काम कर रही है, अच्छी बात है काम कर रही है, कोई बुरा तो नहीं शूट कर रही ना कि तू कोई गलत काम कर रही, तू सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मैं गलत काम भी करती हूँ। नहीं मतलब कि अच्छा काम कर रही है ना जस्टिन करने का। हेलो व्यूअर्स, आज है 4 तारीख, टाइम हो रहा है 12:30 होने वाले हैं, 12:15 हो गए, 12:15 12 की रखी हो गई है, ले जाओ। ठीक है, हाँ ये हो गई, वहाँ रख देना ठीक है। और 12:15 हो गए, मैं खा रही हूँ नमकीन ये वाला, क्योंकि ना थोड़ा सा भी चलो फिर घबरा दूँगी तो कंसाती खा रही थी, मैंने उसे बोला मुझे भी दे दे, तो ये वाला खा रही हूँ मैं नमकीन। और हमारी कुक आ गई है, उससे खाना बनवाया जा रहा है, शायद बच्चे मैकरोनी बनवा रहे हैं। पहले उसे बोला कि दलिया बनाना है इसके पापा के लिए सब्जियाँ डाल के, और मैंने पहले बोल दिया था उसको रोटी और सब्जी बनाने के लिए, वो बेचारी सब्जी काटने बैठी तो ये कहते हैं मैकरोनी खानी है, मैकरोनी फिर बना रही है और दलिया दोनों, हाँ दोनों चीज़ें मैंने कनका डस्टिंग कर रही है पीछे, हाँ हाँ ठीक है, कनका डस्टिंग कर रही है। और आज हमने पता जाना था डॉक्टर को दिखाने, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, दोनों ने जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए, इसलिए कल मैंने क्या करा फिजियोथेरेपिस्ट को आ जाने को मना कर दिया, फिर बोला 12 बजे मत आइयो, मेरा हॉस्पिटल जाना है दिखाने को, तो और वो फिर मैंने से बोला था शाम को आ जाना, वो कहता है शाम को नहीं आ पाऊँगा, मैं कभी छुट्टी कर लेना। और अब हमने अपॉइंटमेंट ली, मिली ही नहीं, मतलब मेरे लिए अपॉइंटमेंट ली, दे ही नहीं रहे अपॉइंटमेंट, कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद की मिलेगी, मतलब मुझे अगले अब जो वेडनेसडे आएगा ना कमिंग वाला उसकी मिली है मेरे को, बताओ। पर चलो मैं तो फिर भी दिखा लूँगी, चलो बाद में, पर इसके पापा को तो आज मस्ट दिखाना है, बहुत ज़रूरी है उनका दिखाना, जब जिस ऑपरेशन करा के आए ना तब से उनकी पट्टियाँ वट्टियाँ चेंज होनी है, सब होना है, बहुत कुछ पूछना है, उनको तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। उनको लेके जाएंगे अभी थोड़ी देर में, खाना खिला के, उठ के घूम रहे थे अभी, सवेरे उठे उन्होंने मोटर भी चलाई, और भी कई छोटे मोटे कई काम होते हैं करे, फिर दवाई खाई अपनी खिचड़ी लेके खा रहे थे, फिर उसके बाद सो गए थे। और रात को मैंने क्या किया, सीढ़ियाँ उतरी लास्ट से थोड़ी सी ऊपर स्टेप तक उतर ली थी, मैं तो लास्ट तक ही उतर रही थी कि पापा ही नहीं कह उतरने से, कल उतर लियो कल उतर लियो, तो उतरी तो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती उस समय, चढ़ भी लो उतर भी लो, बाद में बजता है बैंड बढ़िया वाला, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मैंने उसके बाद फटाफट लगा लिया था आइस वाला पैक, ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली थी हल्की फुल्की, और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि सवेरे जब उठी तो मेरा बहुत दर्द हो रही टांगों में, अब इसके पापा मोटर चलाने के लिए घूम रहे थे तो मैंने उनको उठाया मोटर चलाने के लिए 5:40 पे, जा खुली मैंने बोला मोटर चला लो पानी बिल्कुल ख़त्म है, तो फिर वो बेचारे काम पे लग गए हल्का फुल्का मतलब। उसके बाद फिर मैंने उन्हें बोला आइस पैक दे दो, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही है घुटनों में पूरी टांगों में, तो फिर मैंने आइस पैक भी लगाया है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम मिला, फिर मैं सो गई, ठीक है। और बाद में जब उठी तब भी दर्द हो रही थी, तो करवट ही बदल रही थी, कभी इधर की कभी उधर की कभी बीच की, बस करवट बदल रही थी, चैन मिल ही नहीं रहा था। और अब उठ गई हूँ, अभी लगाया नहीं है इस तक, अब हमने फिजियोथेरेपिस्ट को फ़ोन कराया कि भाई हमारी तो वो हुई नहीं है अपॉइंटमेंट, मेरे को मिली नहीं है, तो आप आ ही जाओ, छुट्टी करने का क्या फ़ायदा, कम से कम ढंग से एक्सरसाइज तो करा देंगे ना, तो बस आई नहीं बोल देना उन्हें क्या, हाँ फ़ोन के लिए टोक देना, हाँ ठीक है, मैं खुद ही फ़ोन पकड़ के बैठ जाऊँगी, आप बोला आप छोड़ोगे मैं भी छोड़ूँ, ठीक है। तो बस चलो अभी मैं खा लूँ, तो पहले खा लेती हूँ बारे में बात करती हूँ। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि पता है क्या हुआ कि वो ना फिल्मोरा वो जो ऐप जिससे मैं वो करती हूँ ना एडिट करती हूँ, उसकी मेरे को आदत पड़ी हुई थी, आराम से फटाफट एडिट हो जाता था, उसका ना नया वर्जन आ गया परसों, और मैं मेरे को तो उसके फंक्शन ही समझ नहीं आ रहे कैसे करने कैसे नहीं, मैंने कहा हो 2 तारीख की वीडियो बना रखी थी मैंने, मैंने एडिट ही नहीं कर पा रही थी, और कल सारा दिन लग के मैंने उसको थोड़ा सीखा, फिर मैंने वीडियो एडिट करी तो उसमें कोई ना कोई गलत हार्ट अप जाता था, पूरी एडिट होने के बाद वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती, बड़ी मुश्किल से लास्ट में मेरे को समझ आया सेव कैसे करनी है, मतलब सारे फंक्शन लगे थे, अभी भी कुछ फंक्शन समझ नहीं आए होंगे, और हो सकता है कि वीडियो भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, पर उसका थोड़ा सा भी सीखना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी वीडियो, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा कि भाई अभी नया वर्जन है उसको समझने में उसके सारे सीखने में टाइम लगेगा, पुराने की तो आदत पड़ी हुई थी ना फिल्मोरा को भी, ठीक है इसको भी कर दियो बेटा, लगे यार डस्टिंग कर दिए, मैंने कहा फोटो में भगवान की साफ कर दे ऊपर चढ़ के अच्छे से कर दे, कर ही दिए तो वो भी कर दे इस साइड वाली भी,
करनी है तो सारी ढंग से करो। व्यूअर्स, किचन में आई हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या पड़ा है। कुछ तो मैंने सेट कर दिए, थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, कुछ ये धुले पड़े हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। कुकर में इतना सारा वो बना के चली गई है दलिया, ये देखिए, इसने ना ज़्यादा ऑयल डाला है, इसमें ऑयल ज़्यादा डाला लग रहा है। ये है दलिया जो बना के गई है, और दिखा देते हैं आपको, इसके पापड़ चल जाएगा। ये बनाई इसमें इतने बड़े, इसमें ये बनाया है। मैक्रोनी अभी भी इतनी पड़ी है, या तो मैं इसको छोटे बर्तन में निकाल दूँ, सोच रही हूँ। ठीक है, इतना बड़ा बर्तन लबेड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये पड़ी है भिंडी की सब्ज़ी, हाँ ये भिंडी बनाई थी कल, ये भिंडी पड़ी है, मैं निकाल देती हूँ अभी। ठीक है, भिंडी निकल जाएगी। और कल रात को बनाए थे नमकीन चावल, वो ये पड़े, अभी बच्चे हुए एक गिलास बनाए थे स्वाति ने, तो ये पड़े हुए, ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ख़राब ना हो जाए, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। अभी हुए हैं 3:15, अभी अभी इसके पापा गए हैं 3 बजे के आसपास, उसके पापा और गई है स्वाति। ठीक है, स्वाति की क्लासें ख़त्म हो गई थी, पर उसे आज सवेर की उठी होती है ना, उसे नींद आ रही थी, तो बड़ी मुश्किल भेजा मैंने उसको पापा के साथ, क्योंकि कनिका की क्लासें 1 बजे से 5 बजे तक, तो कनिका तो जा नहीं सकती, वो देखो दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई है, अपने अंदर बड़ी हुई है। ठीक है, और इसके पापा मुझे दे गए, बोले पपीता खाना है, पपीता खाना है, बताओ, ये खुद तो खा नहीं पाते, इसलिए मेरा तो काटने का मन ही नहीं करता, क्योंकि फिर सारे खा लो और ये ना खा पाए तो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए वे एक दो दिन से मैं टरका ही रही थी कि अभी नहीं खाना। और अब ये आज ना वो नारियल वाला आया था, उससे 2 नारियल लिए कि उसका वो है गिरी, अभी इसको काट के रखती हूँ मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि जिसको भी खानी हो खा सके। और ये नारियल पानी से सबने मिलके पी लिया है, एक इसके पापा के लिए था नारियल, और एक सबने थोड़ा थोड़ा पिया। ये पपीता ला रखा है कई दिन से, आज आधा काट देती हूँ बैठ के, और क्या करना है। ठीक है, और आज पता है क्या है, आज पता नहीं क्या दिक्कत है, एक तो मेरे को घुटनों में भी दर्द हो रही है। आज हमारे उसको बुलाया हमने फिजियोथेरेपिस्ट को, मैं तो जा नहीं पाई ना आज, मेरे को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, सब फ़ोन करके बोला, एक हफ्ता बुधवार की मिली है अपॉइंटमेंट, अब जो नेक्स्ट बुधवार है वेडनेसडे। ठीक है, आज जा नहीं पाई मैं, तो चलो मैं तो बाद में भी दिखा दूँगी, इसके पापा का आज दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनकी पट्टी वट्टी चेंज होगी, टांके खुलेंगे, जो भी बात है वो सारी आज ही पता लगेगी। तो स्वाति को बड़ी मुश्किल से मैंने डांट के पटा के कैसे भी भेजा है। ठीक है, और आजकल स्वाति कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है, कल रात का खाना भी उसने बनाया, परसों रात का भी बनाया, परसों ढेर बर्तन दिखाए थे ना मैंने सारे, जब डांट दो ना तो फिर पूरे रात को धो के सोई वो, 1:30-2 बजे तक लगी रही किचन में, खटपट पूरे बर्तन धो के सोई वो। और अभी भी थोड़े से बर्तन होंगे किचन में, मैं तो गई नहीं सुबह से किचन में, अभी जो दोपहर को खाना बनवाया था उससे, वो क्या कहते हैं मैक्रोनी, उसमें क्या करा उसने पूरा ही पनीर डाल दिया, साबुत का साबुत, मतलब पूरा ही एक टुकड़े करके। और हम लोग जो है ना पनीर को 2-3 बारी में यूज़ करके करते हैं, यानी कि एक ही बारी में ख़त्म कर दें, उसने डाल दिया। फिर मैंने क्या करा, और इसके पापा के लिए बनवाया था दलिया, फिर मैंने बोला आधा पनीर निकाल के पापा के दलिया में डाल दे, तो फिर उसने वो दलिया में डाल दिया, तो इसके पापा खा गए दलिया। और ये इसने हैवी बनाया था, इसने ना ऑयल ज़्यादा डाल दिया मैक्रोनी में, तो उससे क्या हुआ पेट कुछ, मैंने खा तो लिया, स्वाद भी थी, पर पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया, और स्वाति के पेट में भी दर्द होने लग गया, कह रही मम्मी आगे से नहीं बनवाऊँगी, उसी की डिमांड पे बनी थी, नहीं तो मैं तो रोटी सब्जी ही बनवा रही थी, उसी की डिमांड पे कि मैक्रोनी बनानी है आज। और उसने क्या करा, वही मसाले थोड़े ज़्यादा डाल देती है, ऑयल ज़्यादा डाल देती ना, तो स्वाति के पेट में दर्द हो गया, कह रही मम्मी मुसीबत ही है। मैंने कहा भाई बेटे, पहले भी तो हम मैक्रोनी खाते थे ना, हफ्ते में 1 या 2 बार खा ही लेते थे मैक्रोनी, चलो कोई बात नहीं, अब मैं ये पहले काट लेती हूँ चीज़ें, फिर बात करती हूँ, फ़ोन लंबा हो ही जा रहा है। एक तो आज पता नहीं मैं जरा सा भी चलती हूँ घबराहट होने लग जाती है, क्या दिक्कत ही है, क्या कर सकते हैं।